एवरीवन, वेलकम बैक टू गेंटेज भाई जी यूट्यूब चैनल। भाई आज इस कमाल की वीडियो में हम कुछ इस तरह का एडिटिंग करने वाले। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, बिना स्किप किए कहीं भी स्किप करने की कोशिश करी तो हो सकता है वह जानकारी आपसे मिस हो जाए। थोड़ा सा टाइम लगेगा सब कुछ जानने के लिए, वीडियो को एंड तक देखें। और भाई अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लोग आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो भाई लोग चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो भाई लोग यहाँ से मैं अपने काइनमास्टर ऑलरेडी ओपन कर लिया हूँ। और देन करना है कि आपको क्रिएट न्यू पर टाइप करना है। जैसे ही क्रिएट न्यू पर टाइप करोगे उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। तो देन यहाँ से करना है कि सेकंड वाला प्रोजेक्ट जो दिख रहा है 9x16, इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद करना क्या है, यहाँ से सेटिंग पर क्लिक करेंगे और एडिटिंग पे। और एडिटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको ये फिल स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना है। और देन आपको ये फोटो का डायरेक्शन जो है यहाँ से आपको रख लेना है कुछ इस तरीके से, 1 सेलेक्ट कर लेना है ऐसे, है ना। उसके बाद देन यहाँ से करना क्या, यस कर देना। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से करना कि यहाँ से गाइस हमें एक जो है वीडियो ऐड करना होगा जो कि इमोजी टाइप कुछ इस तरह का वीडियो है। इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ से चलिए मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, देख सकते हो कुछ इस तरह की वीडियो है यहाँ से, देख सकते हो। अब देन यहाँ से करना कि आपको यहाँ पर सॉन्ग ऐड करना, तो सॉन्ग ऐड करने के लिए करेंगे लेयर पे क्लिक, मीडिया पे। और इस सॉन्ग का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में और डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले भाई लोग। तो यहाँ से चले मैं ये जो है ये साउंड को जो है इस म्यूजिक को सेलेक्ट कर लूँ, देख सकते हैं। अब देन करना है कि इस पर क्लिक करना है और आपको आना है नीचे और एक्सट्रेट ऑडियो करना है और इस वीडियो को यहाँ से डिलीट कर लेना है। हो गया यहाँ तक डिलीट। अब देख सकते हो अब करना कि इसको इस तरीके से जूम कर लेंगे, देख सकते हो। जैसे यहाँ से कर रहा हूँ अब देख सकते हो यहाँ से ये बिट इधर पतला है और यहाँ से देखिए ये बिट मोटा हो रहा है। तो यहाँ पे आना है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आने के देख सकते हो 2.7 पे आना है। आने के बाद कैंची पे क्लिक करना है और ये जो इमोजी वीडियो है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ट्रिम टू राइट प्लेट करके इसे ट्रिम कर देंगे, देख सकते हो। यहाँ से कुछ इस तरीके से ट्रिम हो चुका है। अब देन यहाँ से आपको इस तरीके से कर लेना है और देन यहाँ से आपको यहाँ पे आना है। और आने के बाद सिंपल से करना कि यहाँ से जिस भी फोटो पर आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, सपोज अगर आप अपना फोटो क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ से फोटो की सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपने फोटो की सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से चले मैं फोटो सेलेक्ट करने के लिए करेंगे क्या, मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो जिस भी फोटो पर आप क्रिएट करना चाहते हो उस फोटो के यहाँ से ऐड कर लेना। तो यहाँ से चले मैं कुछ फोटो ऐड करके आपको एग्जाम्पल के लिए बता दे रहा हूँ। तो आप यहाँ से जिस भी फोटो पर करना चाहते हो उस फोटो के यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और भाई अगर आपको नहीं मालूम है कि 4K जो है इमेज कैसे क्रिएट किया जाता है तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूंगा, वहाँ से देखकर आप किसी भी फोटो को जो है पूरा HD में कर सकते हैं, पूरा 4K में। तो देने यहाँ से करना है कि मैं कुछ फोटो सेलेक्ट कर लूँ, देख सकते हो कुछ इस तरीके से फोटो ऐड कर ले रहा हूँ ऐसे, यहाँ से इस टाइप के फोटो सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, देख सकते हैं। यहाँ से इस तरीके से आप भी यहाँ से फोटो ऐड कर लीजिएगा, जैसे यहाँ से मैं कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से देखिए इतना मैंने फोटो ऐड कर लिया हूँ। देन यहाँ से यस करेंगे, यहाँ से इतना सारा फोटो मैंने ऐड कर लिया हूँ। देन आपको करना क्या, सिंपल से यहाँ पे आना है और आने के बाद करना कुछ नहीं, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये हो चुका। अब इसको ऐसे कर लेना है, हल्का ऐसे यहाँ तक रख देना है। अब देन करना है आपको इस फोटो पर क्लिक, फोटो पर जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आपको क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करना है। और क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करने के बाद करना क्या होगा, यहाँ से हमें जो है एक वीडियो सॉरी एक जो है ये एनिमेशन ऐड करना है, जो कि इन एनिमेशन अगर आपके ये डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना इस होम वाले ऑप्शन से जाकर, नहीं तो गेट मोर वाले ऑप्शन से भी कर सकते हो, तो वहाँ से कर लेना। और यहाँ से करना कि यहाँ से देख सकते हो आपको बहुत से एनिमेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें करना क्या, ये 8 नंबर जो दिख रहा है ये वाला, ये स्लाइड हो रहा है ऊपर से, ये वाला सेलेक्ट करेंगे 8 नंबर, देख सकते हो फर्स्ट पिक्चर में 8 नंबर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से फर्स्ट पिक्चर हो गया, सेकंड पिक्चर पे क्लिक करेंगे, क्लिप ग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे और फिर आएंगे इन एनिमेशन वाले इफेक्ट में। और आने के बाद फिर वही 8 नंबर सेलेक्ट कर लेना, देख सकते हो कुछ इस तरीके से 8 नंबर ही सेलेक्ट करेंगे। फिर तीसरा फोटो में आएंगे, तीसरा फोटो में भी आएंगे और इन एनिमेशन में आएंगे और इसमें भी 8 नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। ये हो गया 8 3 फोटो में गए, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, बारीकी से समझना है। 3 फोटो में आपको जो है इन एनिमेशन का 8 नंबर सेलेक्ट करना है इफेक्ट। यहाँ तक हो गया इफेक्ट मैंने ऐड। अब चौथा नंबर जो फोटो उस पर क्लिक करेंगे, क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करेंगे और फिर आपको आना है इन एनिमेशन में ही और यहाँ से ये 3 वाला सेलेक्ट कर लेना। देखिए नीचे से ये स्लाइड हो रहा है तो ये 3 वाला 4 नंबर जो पिक्चर आएगा उसमें ये 3 वाला सेलेक्ट कर लेंगे। अब फिर यहाँ से हो गया, फिर ऐसे ही करना है इसके बाद वाले भी पिक्चर में, जैसे यहाँ से किए थे वैसे ही करना है। फिर इस पर क्लिक करेंगे, क्लिप ग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे और फिर आपको आना है इन एनिमेशन में और फिर ये 8 नंबर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको 3 फोटो में 8 नंबर सेलेक्ट करेंगे ये इफेक्ट 3 फोटो में। तो यहाँ से एक फोटो मैं कर ले हूँ, अब दूसरा फोटो में भी यहाँ से कर ले रहा हूँ, इन एनिमेशन में आएंगे फिर यहाँ से ये 8 नंबर सेलेक्ट करेंगे और फिर ये तीसरा फोटो है इसमें भी वही 8 नंबर ही सेलेक्ट करेंगे। तो आएंगे इन एनिमेशन में, ये रहा 8 नंबर, इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो चौथा फोटो आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, क्लिप ग्राफिक्स पर क्लिक करेंगे और इसमें जो है ये 3 नंबर वाला इफेक्ट सेलेक्ट करेंगे। ये देख सकते हो जो नीचे से स्लाइड हो रहा है, ऐसे आपको यहाँ से ध्यान से ऐसे ही करना है। अब यहां से फिर ये हो गया, फिर यहां से जो है 8 नंबर वाला ही सिलेक्ट करेंगे तो इन एनिमेशन में आएंगे और ये 8 नंबर आ गया। देन इसे
ऐड करेंगे, यहाँ पे भी आएंगे, फिर दूसरा पिक्चर में आएंगे, फिर यहाँ से आएंगे इन एनिमेशन में, और फिर वही 8 नंबर सेलेक्ट करेंगे। देख सकते हो यहाँ से दो पिक्चर में 8 नंबर हो गया। अब तीसरा पिक्चर में करना क्या है, यहाँ से फिर ये 8 नंबर ही सिलेक्ट करना है, और ये 8 नंबर सेलेक्ट हो चुका है। अब फिर ये चौथा पिक्चर में वो 3 नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब ऐसे जैसे मैं यहाँ से किया हूँ वैसे आपको भी कर लेना है। ऐसे यहाँ तक हो गया। अब ये देख सकते हो ये पिक्चर, इसमें भी 8 नंबर सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, यहाँ से हो गया। अब ये जो ज़्यादा फोटो यहाँ से ऐड हो चुका है इसे यहाँ से डिलीट कर लेंगे ऐसे कुछ इस तरीके से, और यहाँ से आएंगे यहाँ पे, और इस फोटो को यहाँ से कैंची पे क्लिक करके ट्रिम टू राइट अप प्लेट करके ट्रिम कर लेना है। देख सकते हो यहाँ से, अब यहाँ से हमारा फाइनली वीडियो जब बन के तैयार हो चुका है। अब चलिए इसे एक बार प्ले करके देख लेते हैं। तो इसके लेंथ को पहले इसी तरह से छोटा कर लेंगे। अब चलिए इसे एक बार प्ले करके देख लेते हैं। और अगर आप PNG बॉर्डर नहीं ऐड किए हैं इसमें बॉर्डर, तो बॉर्डर का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड करके ऐड कर लेना। मैं यहाँ से नहीं ऐड कर रहा हूँ। अब इसे यहाँ से सेव करने के लिए करना है क्या, पूरा मैं आपको प्ले करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप समझते होंगे, नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आ सकते हैं सॉन्ग की वजह से। अब देन इसे सेव करने के लिए करना है, इस पर क्लिक करने के बाद वीडियो क्वालिटी सेलेक्ट करना है, और ये फ्रेम रेट आपको ये 60 रहने देना है। उसके बाद नीचे एक्सपोर्ट पर क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो देख सकते हो भाई लोग यहाँ से वीडियो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आई होप दोस्तों आप सब लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भाई अगर हाँ आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। भाई लोग मिलते हैं फिर ऐसे ही वीडियो के साथ। ओके बाय बाय।